कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन ओपन। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मिसिंग ब्यूसेली, ठीक है, ये आपका फ्यूचर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है, ठीक है, टॉपिक है। तो अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग का जो ये चीज है, आपका जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका परफेक्ट होगा, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड लेके हम आए हैं, तो देखिए यह फिगर आपके सामने बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो फिगर बना हुआ है, और यहाँ पे जो ब्लैंक है, इस एरिया में आपको फिगर ड्रा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये कौन सा व्यू बना हुआ है, कौन सा कौन व्यू है, ठीक है ना। तो दोनों देख लीजिए, जैसे आपका ये दोनों एक साथ है, आप पहले से पढ़ते होंगे फर्स्ट ईयर से ही, तो दोनों एक साथ होगा, इसका मतलब निश्चित है ये साइड होगा, ये फ्रंट होगा, फ्रंट के ऊपर बनाना है, इसका मतलब क्या है, ये टॉप बनेगा, ये फ्रंट है और ये साइड है, ठीक है ना। साइड हमेशा साइड में होता है, इसके ऊपर क्या होता है, प्रोजेक्शन का बॉक्स होता है, ठीक है। तो दोनों नीचे हैं, कौन से एंगल में लगाएगा, बीपी, ये आपका बीपी यहाँ पे है, और ऊपर क्या है आपका एसपी है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा व्यू बनाना है, टॉप व्यू, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट नीचे बनता है फ्रंट व्यू, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, और इसके जस्ट बगल में क्या है, ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, इस फिगर में हमको देखना है कि आपका फ्रंट व्यू है, साइज नहीं दिया है, साइज आप अपने से मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और आपको बनाना है टॉप व्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले आपको जो वीडियो अपलोड किया था, वह इन दोनों को बना देख करके हमने क्या किया था, आइसोमेट्रिक ड्रा किया था, लेकिन आज की वीडियो में क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन से बनाने का प्रयास करेंगे कि ये फिगर देखिए प्रोजेक्शन से बन पाएगा कि नहीं, ठीक है। या पहले मैं आपको प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा, प्रोजेक्शन ड्रा करने के बाद ये आप टॉप व्यू बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, मैं बना दूंगा आइसोमेट्रिक, लेकिन पहले हम आज प्रोजेक्शन से ड्रा करेंगे, ठीक है। तो पहले से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करना, ठीक है। तो देखिए, अब इसकी सहायता से सबसे पहले आपका यहाँ क्या होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री के एंगल पे हम क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे हम इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका कितना हो गया, ये 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पे इसको सेट करेंगे, और सेट करने के बाद इसको आप ऐसे ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये ड्रा हो गया, इस तरह से लाइन आएगी, और ये 45 डिग्री हो गया। अब ये वाली जो है, यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा इस तरह से ना, तो इस लाइन को हम सीधे ऊपर लेके जाएंगे प्रोजेक्शन लाइन को, तो आपका देखिए ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये होगी लाइन दूसरी, यहां से जाएगा इस कॉर्नर से, तो इस कॉर्नर से भी आप ले लीजिए, देखिए इस कॉर्नर से आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइड टू से दो ही लाइन प्रोजेक्शन ऊपर जाएंगे, प्रोजेक्ट होंगे, तो इस तरह से, ठीक है। इनको भी आप चाहें तो लिंक कर लीजिए, देखिए इनको जब आप लिंकअप करेंगे तो ये वाला चीज यहाँ से लिंक हो जाएगा प्रोजेक्शन, और ये वाला जो भाग है यहाँ से, ठीक है। और ये इसका जो कॉर्नर यहाँ से है, इसके इस बेस में मिल जाएगा फ्रंट व्यू के, तो आप देखिए ये आपका यहाँ से, ठीक है। तो ये आगे पहले से बना हुआ है, तो देखिए सभी प्रोजेक्शन आपस में मैच करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से चला गया, अब इधर से भी आप लेके जाएंगे प्रोजेक्शन, तो इस कॉर्नर से आप जो प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, तो देखिए यहाँ से ये प्रोजेक्शन जा गया इस तरह से, ठीक है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे सीधी लाइन लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये लाइन आपका ड्रा होगा इस तरह से, ओके। और यहाँ से ई भी कॉर्नर से जाएगा, तो ऊपर लेके चले गए हम, अब बचा ये वाला सीधा, ठीक है। तो पहले इसको ले जाएंगे, पहले एक आयत हम ड्रा करते हैं, आयत डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, इसमें मैच करना चाहिए ना, तो इसको ऐसे मैच करेगा, ठीक है। आप कॉपी बनाएंगे तो काफी सुंदर बनेगा आपका, ठीक है, रिस्पेक्ट टू बोर्ड के अपेक्षा आपका अच्छा बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपकी ड्रा हो रही है, ठीक है, और इसको आप सीधे ऊपर मिला देंगे, तो देखिए ये लाइन यहाँ पे मिल गया, इसको आप यहाँ पे मैच करा दीजिए, ठीक है। और जब इस कॉर्नर से लेके आएंगे, तो देखिए ये वाला बोल रहा है कि और ऊपर जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा, ये जो बना है बॉक्स थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, ये
ये वाली लाइन सीधे इसमें मैच करेंगे, ठीक है। इसको आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा भी सकते हैं आप, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा इंटरसेक्ट कर जाएगा, कट जाएगा। आपका रेक्टेंगल कितने का साइज का होगा ये पड़ जाएगा। देखिए तो यहाँ से जब इसको लेके आएंगे सीधे, तो आपका ये लाइन इस तरह से ड्रा हो जाएगा। इसको देखिए तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक सबसे पहले आपको एक बॉक्स मिल गया ना, बॉक्स मिल गया। यहाँ से इसको आप हटा दीजिए इस एक्स्ट्रा लाइन को, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसी के अंतर्गत आपको क्या करना है, टॉप व्यू फिगर। तो देखिए यहाँ से लाइन चली गई, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन हो गया, इधर से आप मिला दीजिए इसको, तो इधर से आप मिलाएंगे तो ये आपका प्रोजेक्शन लाइन इसमें मैच कर गया, तो ये हो गया यहाँ से। तो आप बचा क्या, आपका सिर्फ ये पॉइंट बचा ना, ये पॉइंट बचा तो आप क्या करेंगे, इसको आप सीधे ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको आप ड्रा कर देंगे। अभी मैं 2S पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, ये जो आपका अलग कलर का पेंसिल HB इसको मान लिया हमने, और इसको क्या है 2S आप फोर एस का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसको ले जाएंगे, मतलब अभी हल्का मैं काम कर रहा हूँ, बाद में क्या करेंगे इसको HB चला देंगे, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ से प्रोजेक्शन चला गया इसका, ये प्रोजेक्शन कम्प्लीट हुआ मेरा, तो ये प्रोजेक्शन ऊपर चला गया, और बाकी आप कोई भी चीज नहीं है जो प्रोजेक्शन लाइन बचा हुआ है, ठीक है ना। इधर से पूरा ये बॉक्स क्रिएट किया इस तरह से, तो आपका जो एक्चुअल में टॉप व्यू बना एक दो तीन, इस प्रकार क्या बनाएगा एक तीन बॉक्स बनेगा, एक दो तीन, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे अब ये फिगर मेरा बन गया, ठीक है। टॉप व्यू का ये फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन कोई भी अब नहीं बची है, सभी कॉर्नर से हम क्या प्रोजेक्शन को ले आके मैच करा दिए, इस तरह से बनेगा। अब लास्ट में क्या करेंगे आप, इसको आप HB पेंसिल चला दीजिए, इसमें आप HB पेंसिल चला दीजिए अपने, ये फिगर बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट फिगर ये आपका बन जाएगा, देखिए इस तरह से मेरा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। किस विधि से, हमने पहले इसको प्रोजेक्शन विधि से बना दिया, ठीक है ना। इसका आइसोमेट्रिक कैसे होगा उसको भी आपको दिखा देते हैं, इसका आइसोमेट्रिक कैसे बनेगा, ओके। देखिए तो ये आपका इस तरह से आप HB पेंसिल चला देंगे अपने कॉपी पे ड्राइंग शीट पे, तो अच्छा हो जाएगा, इस तरह से पास बनेगा, ठीक है। तो आप यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छा आपको समझ में आने लगा, तो आप प्रोजेक्शन से विधि से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान विधि है कि आप आइसोमेट्रिक ड्रा करके दिखाए, ठीक है। तो अभी तो देखिए इसका अभी ये जो हमारा आर्थोग्राफिक ड्रा हुआ उसका टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब ये आपके सामने देखिए आइसोमेट्रिक इसका है ना, इन तीनों का मतलब इसको जब हमने देखा टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू, तो इस तरह की आकृति आपकी बन गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है एक बार आपको, अब आपका ये देखिए फ्रंट व्यू मतलब आपको क्या करना है, इधर से देखना है ना, और ये आपका साइड व्यू था, ये आपका साइड व्यू एरिया है और ये फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिख रहा था, ये आपका दिख रहा था, तो आप क्या करेंगे हैचिंग लाइन से कर दीजिए, आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपका भाग ये हो जाएगा यहाँ से ये, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन आपका फ्रंट व्यू में दिखेगा और टॉप व्यू में दिखेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग हो गया इसको आप मान सकते हैं कॉमन, टॉप व्यू में ये भाग दिख रहा है वही चीज है, और वही चीज यहाँ पे दिख रहा है ना, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो दोनों में दिखेगा, फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में। साइड में देखिए एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइड में, यहाँ ये आपका देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये जो प्लेट दिख रही है यहाँ से ये प्लेट बन गया, तो आप इसको कह सकते हैं ये आपका क्या है साइड व्यू का है, इसको डबल हैचिंग कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए तो ये आपका साइड व्यू बन गया, ठीक है। तो ये आपका साइड व्यू है, डबल एचिंग से साइड व्यू हो गया, और ये आपका फ्रंट व्यू है, ये जो बीच वाला भाग है इसको आप बताना चाहते हैं, तो ये आपका क्या है इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है। तो ये टॉप में भी दिखेगा और फ्रंट व्यू भी दिखेगा, ठीक है। तो टॉप में देखिए क्या क्या दिखेगा, एक यहाँ पे बॉक्स दिखा, एक दूसरा बीच वाला ये दिखेगा, तीसरा मतलब कुल मिलाकर के क्या है तीन बॉक्स दिखेगा, एक दो तीन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया, टॉप भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और डेली अपडेट के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।